मित्रों, जय बाबा अमरनाथ गुरु की तरफ से दिनांक 13 जुलाई 2024 को 51 लोगों का ग्रुप हमारा अमरनाथ यात्रा पर निकला है। मैं आपका होस्ट सिद्धार्थ चौहान आप सभी को उनसे परिचय कराता हूं और अमरनाथ शिव खोड़ी वैष्णो देवी की यात्रा आपको लाइव बताता हूं। आपका दोस्त सिद्धार्थ चौहान, जय बाबा। जय भोले मित्रों, आज 14 जुलाई 2024 से हम 85 सदस्य दल अमरनाथ यात्रा पर आए हैं। आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में वैष्णो धाम दिख रहा होगा। ये माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का धाम है। ये ट्रस्ट है जिसने यहाँ पर रुकने की व्यवस्था रहती है। हम लोग सभी यहाँ पर रुके हैं और अभी यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, खुला मौसम है, मार्केट चालू है, चारों तरफ लोग उन खरीदारी कर रहे हैं। और हमारे कुछ सदस्य कल छूट गए थे उनके भावनाओं को जानने के लिए, अभी हम उनसे रूबरू होते हैं। और कल सुबह 5 बजे हम पहलगाम के लिए प्रस्थान करेंगे बस के द्वारा। 2 बसें करी है हमने। जय भोले। जय भोले। मैं भरत विश्वकर्मा मांगले इंदौर से बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए आया हूँ। आज जम्मू पहुँच गए हैं और हम सुबह 5 बजे यहाँ से बाबा के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। और यहाँ पे मौसम बिल्कुल एकदम साफ है, बारिश वगैरह कुछ भी नहीं है और गर्मी है और बाकी आनंद आ रहा है। बाकी सब बाबा की कृपा। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। ग्रुप के साथ अमरनाथ जी की यात्रा पे निकले हैं। मौसम बहुत सुहाना है और आज रात्रि विश्राम के पश्चात हम सवेरे 5 बजे पूरे 85 लोगों के साथ अमरनाथ जी के लिए प्रस्थान करेंगे। हम ये जम्मू से बाहर निकल के काली माता जी का मंदिर है, वहाँ पर भंडारे में रुके हुए हैं। सभी भक्तजन प्रसाद लाभ ले रहे हैं। जय भोले। जय भोले मित्रों, हम यहाँ बनिहाल के पास में भंडारों पर रुके हैं। यहाँ पर बालटाल से भी कानवाई आई हुई है। ये देखिए भंडारे, यहाँ बहुत सारे भंडारे लगे हुए हैं। बहुत धर्म प्रेमी जनता है जो भंडारे आयोजित करती है। पूरे भारत देश से अलग अलग राज्यों शहरों से यहाँ पर लोगों नाते और भंडारे लगाते हैं। जय भोले। ये सब बनिहाल के भंडारे हैं। आराम से आगे लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ते गए, लंबे लंबे कदमों से। बम 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 बम
बम बम भोले, 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 बम बम। आज दिनांक 16/7/2024 है और हम अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम से निकल के चंदनवाड़ी जाने की तैयारी चल रही है। ये हमारे सब भोले भक्त हैं। जय भोले, जय भोले, जय भोले। रूम की हालत देख सकते हैं आप, सभी को बढ़िया नींद आई है, सब सुबह उठ के रेडी हो गए हैं, 4:30 का समय हो रहा है। जय भोले। हम यहाँ चंदनवाड़ी पहुँच चुके हैं, ये चंदनवाड़ी के नज़ारे देखिए। और यहाँ से अब हम लोग यात्रा शुरू करने वाले हैं और ये हम चेकिंग पॉइंट पे रुके हैं, यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रेशन चेक होंगे, उसके बाद हम आगे यात्रा करेंगे। अभी भीड़ हो रही है, सुबह 7 बजे का समय है, लोगों में भारी उत्साह है। 2024 में अमरनाथ का ये नया ट्रैक बनाया गया है, पिस्सू घाटी का आधा रास्ता इसमें चेंज कर दिया गया है, नया रास्ता बनाया गया है। ये देखिए, ये हम उधर चंदनवाड़ी से आ रहे हैं, ये यहाँ के नज़ारे, खूबसूरत दृश्य, वादियाँ। पिस्सू घाटी का नया ट्रैक है, इसको शॉर्टकट और इजी बना दिया गया है, थोड़ा लंबा कर दिया गया है पर इजी कर दिया गया है। ये देखिए पिस्सू घाटी का ट्रैक, नया ट्रैक बहुत सुगम और आसान कर दिया गया है। ये हम चंदनवाड़ी वहाँ सामने से आ रहे हैं और बहुत अच्छा और इजी ट्रैक कर दिया गया है। यात्रीगण ओम नमः शिवाय, बम बम भोले का नारा लगाते हुए चल रहे हैं। जय भोले, बम बम भोले। वहाँ से आया ना नीचे से, हाँ ये वाले चले था ना, अब तो चले आएंगे। ये देखिए, ये पिस्सू घाटी का पुराना रास्ता, अभी 2024 में इसको बंद कर दिया गया है। नए ट्रैक से इस साल हम आए हैं। ये देखिए नया ट्रैक, और जो सामने आपको दिख रहा है वो पुराना ट्रैक है, वो जो नीचे से आ रहा है नदी के पास से होते हुए, वो पुराना ट्रैक है। ये देखिए बहुत सुगम रास्ता कर दिया पिस्सू घाटी का, चढ़ाई बहुत कम हो गई है। पिस्सू घाटी से आगे बढ़ते हुए जोजीबल की तरफ, ट्रैक बहुत अच्छा कर दिया है, रोड चौड़े कर दिए हैं, जहाँ पहले पगडंडी हुआ करती थी वहाँ पर 10 से 15 फीट का मार्क कर दिया गया है, बहुत सारी जगह पक्का मार्ग भी बना दिया गया है। भंडारे चलने लगे हुए, भोले भक्त लोग नाच रहे कूद रहे हैं, नज़ारे देखिए खूबसूरत जोजी बन गए। Thank you.
हम जोजीपल से नागाकोटी क्षेत्र की तरफ आए हैं। ये देखिए, अभी हमें यहाँ से इधर ऊपर थोड़ा और जाना है, नागाकोटी पार हो जाएगा। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर शेषनाग रह जाता है। रात 2024 से हमने रात में पोस्टपत्री में स्टे करा था। कुछ लोग शेषनाग में रुके थे, कुछ लोग चंदनवाली में रुके थे। हम पोस्टपत्री से सुबह 6:15 बजे निकल चुके हैं। पीछे का नज़ारा आपको नज़र आ ही रहा होगा, ये पोस्टपत्री है। आगे का हम आपको आगे का हाल बताते रहेंगे। यात्री सब आगे पीछे हो गए हैं। जो घोड़े से चले थे वो पंचतरणी पहुँच चुके हैं। जय भोले। ये देखिए, सामने पंचतरणी नज़र आ रहा है। ये देखिए, बस कुछ ही दूरी पर है यहाँ से, आधे पौन घंटे की दूरी पर पंचतरणी। ये खूबसूरत वादियाँ देखिए। ये देखिए, भक्त लोग वहाँ से आ रहे हैं, बम भोले का नारा लगाते हुए। थक जाते हैं, रुक जाते हैं, चलते रहते हैं खूबसूरत वादियों के नज़ारे देखते हुए। ये हम जा रहे हैं गुफा की तरफ। अभी पलटने दे, अभी पलटा रहा हूँ मैं कैमरा। हमारे साथी लोग चलते जा रहे हैं। हतूर लखी का द्वारा टूर दे सारे आज 17/7/2024 से हम बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करके उतर गए हैं। आधे सदस्य में दर्शन कर लिए आ गए हैं। कुछ लोग पंचतरणी में रुके हुए हैं। बहुत अच्छी यात्रा रही इस बार। पूरा मौसम साफ था। रास्ते जहां रास्तों पे बादल रहा करते थे, और इस बार घोड़ों की टापों से पूरा रास्ता धूल भरा हो रहा था, पर बाबा के दर्शन करने के बाद सबको आनंदित हो गए हैं। अब दो मिलकर हम आ गए हैं। अब बाकी की जानकारी आपको कल सुबह मिल जाएगी। आज दिनांक 20/7/2024 से हम अमरनाथ जी के दर्शन करके कटरा पहुंच चुके हैं, और अब आज शिव खोड़ी, धनसर बाबा की गुफा और नौ माता मंदिर जाने का प्लान है। कल वैष्णो देवी जाएंगे, और हम हमारे साथियों से पूछते हैं उन्हें अमरनाथ दर्शन करके कैसा महसूस हुआ। जय भोले। हमने 17 तारीख को अमरनाथ जी के पवित्र गुफा में जाके दर्शन प्राप्त करे हैं, जिसका मैं सारा श्रेय हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री सिद्धार्थ जी चौहान जी को देना चाहता हूँ।
और हमें वहाँ जाके इतना बढ़िया महसूस हुआ है कि जिसकी हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, वो शब्द नहीं हमारे पास। और आज हम यहाँ कटरा में खड़े हैं दिनांक 20/7 को, और यहाँ से हम शिव खोड़ी की तरफ जा रहे हैं। जय बाबा अमरनाथ जी की। बाबा अमरनाथ के दर्शन करके ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत प्राप्त हो गई। भगवान के दरबार पे जाते ही ऐसा लगा जैसे सब प्रभु की माया, सभी प्रभु का ही देन है, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके प्रभु की शरण में। बोले अमरनाथ यात्रा करके बहुत अच्छा लगा, मैं चौथी बार अमरनाथ यात्रा करी और बहुत ही इंजॉय करा और मैं बहुत खुश हूँ। जय बाबा भोलेनाथ। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करके आ गए हैं, बहुत आनंद आया और बहुत ही बढ़िया हमारी यात्रा हुई है। और वहाँ से अब हम पहुँच गए हैं कटरा। अब यहाँ से हम शिवखोरी जाएंगे और शिवखोरी बाबा के दर्शन करके रास्ते में बाबा के एक और स्थान पड़ता है धनसर बाबा, वहाँ पर दर्शन करके नौ देवी दर्शन करके शाम को वापस कटरा आएंगे। और कल जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा हमारी बहुत बढ़िया रही, सफल रही। जय माता दी, जय बाबा बर्फानी। हाँ, हम अमरनाथ यात्रा में गए थे, अभी हमारा यात्रा बहुत सफल होया। हमारा बिक्की टूरिस्ट ट्रैवल श्री कृष्णा लक्की भाई, जो बिक्की भाई आपका इंदौर वाले, यात्रा बहुत सफल हुआ। अब हम शिवकोड़ी में जा रहे हैं, शिवकोड़ी में रास्ते में धनसर बाबा में जाएंगे, अभी नौ देवी आगे सीधा कटरा में आएंगे। कटरा से कल हम वैष्णो देवी में दर्शन के लिए जाएंगे और हमारा ग्रुप सीधा इंदौर को वापस जाएगा। जय भोले बाबा। ये देखिए मित्रों, हम यहाँ पर धनसर बाबा की गुफा आए हैं। यहाँ पहाड़ी के ऊपर खूबसूरत नज़ारा। अभी हमें करीब 250 सीढ़ी नीचे उतरना है जो धनसर बाबा की तरफ जाती है। ये देखिए मित्रों, धनसर बाबा की गुफा की तरफ जाने का रास्ता शुद्ध निर्मल जल बहता हुआ धनसर बाबा जी के कुंडम से आ रहा है। सामने मंदिर बना हुआ धनसर बाबा जी का स्थान है और आगे शंकर जी का स्थान है गुफा के अंदर, वो भी हम आपके लिए चलते हैं। धनसर बाबा की गुफा में देखो श्रद्धालु भक्तगण आते हुए, हमारे ग्रुप के सदस्य सभी। जय हो बाबा। यहाँ के तुम्हारे चेहरे पर खुशी अलग ही आ जाती है। थकान नहीं होती। तुझे सरण तुझे सरण अनंत महीने चल रही है, चल रही है। लेते रहो ना। ये बोले फोटोग्राफर ही है, सही बात है। और वही बिना तुम्हारे आपके बोलो। अरे मैं ये बोल रहा हूँ तो बहुत थक गया हूँ, और आप ध्यान से जो पहले दर्शन चालू करे हैं जो बहुत बढ़िया है, और सारे धीरे टीम आ रही है, धीरे धीरे आते जाएगा। ऊपर चल के देखो अरे बिल्ला आया ना, यहाँ से बड़ा आनंद मिलता है। सही बात है। आइए आइए आइए, कुछ बोलते हुए निकलिए इधर थोड़ी। बोलो बोलो। जय बोले, जय बोले, जय बोले।
अपनी बस की नियत हाथ होल्ड करना आदमी है, दिन भर कोई काम है। ये बोले वीडियो बन रही आती है चलते चलते यह प्राकृतिक कुंड है। इसकी खासियत यह है कि गर्मी के दिनों में यहाँ ठंडा पानी बहता है और ठंड के दिनों में यहाँ गर्म पानी बहता है। इस पानी का स्रोत का पता कोई नहीं लगा पाया है। यहाँ का पानी बहुत साफ निर्मल और स्वच्छ रहता है। यहाँ पर नाग महाराज भी रहते हैं इस कुंड में, कभी कभी भक्तों को दर्शन देते हैं वो। 2019 में मैंने यहाँ पर नाग महाराज जी के दर्शन करे थे। ये बाबा धनसर जी का मंदिर है। जय श्री राम, जय श्री राम। मेन मंदिर है जहाँ का, ये पिंडी है धनसर बाबा जी की, बड़ी वाली छोटी काली माता जी है। बाबा धनसर शेषनाग है, जैन का चित्र लगा है, नाग देवता का मंदिर है। धनसर बाबा कोई बाबा साधु शिव जी नहीं है, धनसर नाम है, रूप इनका शेषनाग है, बड़े हैं, भगवान है, बाबा जी बोलते हैं। बाबा धनसर शेषनाग इस झील में रहते हैं पानी में, और इस पानी में जहाँ एक नाग देवता के असली के दर्शन होते हैं नेचुरल सांप के, डेली दर्शन है, लेकिन किस्मत वाले को होते हैं, सबको नहीं यहाँ पर होते हैं। 12 साल इन्होंने यहाँ बैठ के भक्ति करी थी शिवजी जी की। बाबा धनसर शेषनाग ने 12 साल तपस्या करी है शंकर भगवान की, और शंकर भगवान ने परिवार के साथ दर्शन दिए सामने गुफा के अंदर। सामने जहाँ आप लोग दर्शन करके आए हो उस गुफा के अंदर शिव परिवार है, प्राकृतिक नेचुरल अपने आप विराजमान है, स्वयं हुए यहाँ। बाबा धनसर शेषनाग है तो नाग देवता का जो परिवार है सारा ही, लेकिन ये जो मूर्ति बनी है हाथों से बनी है, प्राचीन काल की है, सदियों पुरानी है। जब से धनसर बाबा जी जहाँ पर आए हुए हैं, प्रकट हुए, विराजमान है, तब से ये मूर्तियाँ इन्हीं के लोगों ने बना के चढ़ाई है, जो सदियों पुरानी है। और बाबा धनसर जो है हमारे ये कुल देवता है, हमें इनका आशीर्वाद है, वरदान है, पूजा सेवा हम करेंगे, हमें इनका वरदान है, हमारे कुल में बड़ा बेटा होगा, लड़का पहला, तो जिंदगी में एक बार बड़े बेटे की जय मूर्ति हम भी बनाएंगे और बना के इनके जहाँ चढ़ाएंगे जो बाहर लगे पीछे से। आप जितनी मूर्तियां देख रहे हो ये हमारी कोई परंपरा है, सभी के अपने अपने कुल देवी देवता होते हैं, हिंदुओं के, आपके भी होंगे, और ये हमारे हैं, हमारी परंपरा, जो आपके होंगे उनकी भी परंपरा होगी, जो आपकी है तो आप निभाते हैं, हमारी जो ये परंपरा है तो हम निभाते हैं। और भैया इस मंदिर की जो खास मान्यता है यहाँ की, इधर अगर कोई भी मनोकामना यहाँ करनी हो किसी भी काम और किसी भी चीज़ के लिए और कैसी भी मनोकामना, वो यहाँ पर पूरी होती है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में आप लोग पहली बार ही आए हो, फिर आओगे तो देखते रहना, ये गुप्त गंगा है पानी। अगर यहाँ कोई 200 मीटर पीछे जाएगा तो यहाँ पानी नहीं है, 200 मीटर 200 किलोमीटर नहीं, 200 मीटर, एक मीटर इतना होता है, 200 मीटर के पीछे हमारा गांव है, खेतीबाड़ी जमीन है, लेकिन पानी बीच में कोई नहीं मिलेगा, आपको एक बूंद नहीं मिलेगा। कभी किसी का दिल करेगा चले जाना, जहाँ से बाबा जी के नाम की जमीन शुरू होगी वहाँ कोई पहुँचेगा तो आप लोगों को ऐसा नजर आएगा ये पत्थर के ऊपर बारिश का एक बूंद अभी गिरा है, जैसे रात को ओस पड़ती है, वो पत्थर आपको ऊपर से गीला गीला नजर आएगा, और उस पत्थर के नीचे देखोगे खड़ा पानी सड़ा नजर आएगा, जिसके अंदर वो हरा हरा घास काई निकली होगी, और 200 मीटर से कोई नीचे आता जाएगा जहाँ तक ये पानी अपने आप बढ़ता जाएगा। लेकिन इस पानी का स्रोत नजर नहीं आएगा, ये पानी कहाँ से आया ये नहीं दिखेगा, सारा पानी इकट्ठा होके इस झील में गिरता है। क्यों? ये धनसर बाबा जी शेषनाग है, इस सरोवर में रहते हैं, ये सारा पानी इन्हीं के ऊपर आके गिरता है जी। इधर जो कुछ भी है सब प्राकृतिक है, यहाँ नेचुरल है, ये इनके दर्शन है जी। बोलो धनसर बाबा की।
हम दर्शन बाबा जी की गुफा में प्रवेश करते हुए यहाँ पर बाबा जी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। यात्रीगण लाइन लगा के खड़े हुए हैं बाबा जी के दर्शन के लिए। बहुत सुंदर सजा हुआ है यहाँ पर, देखिए आप। ये हमें हमारे इंदौर के कजलीगढ़ मंदिर की याद दिलाता है। जय भोले। देखिए शिव पार्वती जी की मूर्ति भी यहाँ पर पास में स्थापित कर रखी है, मूर्ति भी लगा रखी है। ये देखिए धनकर बाबा की गुफा में हम जा रहे हैं। ये यहाँ पर बाबा जी की प्राकृतिक गुफा बनी हुई है जिसमें शंकर भगवान जी का प्रकटी हुआ है। माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी महाराज, गंगा माता, कैलाश पर्वत, गौ माता के चार धाम, शीतला जी, डमरू। नेशनल मंदिर है, सदियों से बना हुआ है और गुफा है, प्राकृतिक गुफा है जिसमें शंकर जी के शिवलिंग का प्रकटी हुआ है। बाबा धनसर जी के पास में धनसर बाबा जी को शंकर जी ने दर्शन दिए थे। 12 साल बाबा धनसर जी ने 12 साल तपस्या की थी। शिव शंकर ने अपना परिवार लेकर छोटी गुफा बनाकर सामने इनको दर्शन दिए। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम। सात 2024 से हम 13 जुलाई 2024 को अमरनाथ, शिव घोड़ी और वैष्णोधाम यात्रा के लिए निकले थे। हमारा 85 सदस्य दल ने अमरनाथ जी, वैष्णो देवी, शिव घोड़ी की सफलतापूर्वक यात्रा की। किसी को कोई परेशानी नहीं आई और सभी ने बहुत ही अच्छे से यात्रा की। कोई पैदल चला, कोई घोड़े पे चला, सबको थकान हुई पर बाबा के दर्शन के बाद सभी को आनंद की प्राप्ति हुई। और इस बार गर्मी बहुत थी वहाँ पर और गर्मी के बाद में वैष्णो देवी में उनको थोड़ा सा सुकून मिला, बादलों की आहट हुई, थोड़ा पानी भी गिरा और उसके बाद में सबकी यात्रा अच्छी मंगलमय हुई। और आगे भी हमें ऐसी यात्रा बाबा के आशीर्वाद से मिलती रहे। जय भोले।